नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाइटिंग निकल में। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एक हेलमेट का। तो बहुत ही एक अलग टाइप का चीज़ मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है एक हेलमेट जो है SMK स्टेलर कंपनी का हेलमेट, और बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का हेलमेट है, मतलब क्रूज बाइक के लिए ये सब यूज़ होता है ये सब हेलमेट। तो वीडियो को देखते रहिए, मैं इसका कम्प्लीट अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और इसका फुल रिव्यू कराऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फटाफट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये है इसका बॉक्स, देखिए इसका जो टैप है मैं पहले से निकाल लिया था ताकि आपको आसानी से दिखा पाऊँ। तो देखिए अंदर में क्या है। तो जब आप इसको खोलेंगे इसके अंदर और एक बॉक्स मिलेगा आपको, इसको भी आपको खोलना पड़ेगा। तो डबल प्रोटेक्शन के लिए ये डबल टैग यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चीज़ अच्छा है तो पैकिंग भी अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये है, अब जब इसको बॉक्स को खोलेंगे तो ये हेलमेट, ये है आपका मेन हेलमेट, ऐसे निकलेगा। और अच्छी चीज़ ये है, इसमें एक रैप भी मिलेगा आपको ब्लैक कलर का, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आप किसी और काम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट निकालते हैं। ओके, तो ये हमारा हेलमेट, तो इसको पहले रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है हमको। तो बॉक्स के अंदर आपको ये सब चीज़ भी मिलेगा, तो देखते हैं एक एक करके क्या है। और इसके साथ एक चाबी का लॉकेट भी आपको मिल रहा है, आप यूज़ कर सकते हैं आपका बाइक का जो की है इसके लिए, ठीक है। और ये SMK का स्टिकर आप लगा सकते हैं आपका हेलमेट या बाइक में भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये है इसका वारंटी स्टेटमेंट, इसके अंदर सब कुछ है। आपको शायद ऑनलाइन कुछ रजिस्टर करना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो ये आप करेंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करूँगा। चलते हैं मेन चीज़ में। तो ये है इसका यूज़र मैनुअल, इसमें बहुत कुछ लिखा है, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है, ये है पिन लॉक का। एक्चुअली ये जो हेलमेट है इसका जो वाइजर ग्लास है ना, वो एक थर्ड पार्टी कंपनी का है, और ये थर्ड पार्टी कंपनी है पिन लॉक। ये एक्चुअली कंपनी डेडिकेटेड है कैमरा का, जो सनग्लास है, फिर ये जो स्पेक्टेकल्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। तो इसका जो वाइजर ग्लास है ना, वो एक्चुअली डिज़ाइन किया है पिन लॉक कंपनी ने। और इसका खास बात ये है, ये एंटी फॉग है, मतलब आप बाइक लेके किसी लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे विंटर के सीज़न में, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये एंटी फॉग है, तो फॉग अटक के आपको कुछ देर बाद बाद इसको क्लीन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एंटी फॉग टाइप का है, ठीक है। तो ये रहा आपका मेन हेलमेट। तो इसका जो रैप है इसको मैं बाहर निकालता हूँ और दिखा तो आपको एक्चुअल जो हेलमेट है इसका आउटलुक। तो इसको ऐसे खोलेंगे तो ये निकाल के बाहर आएगा आपका हेलमेट। तो देखिए इसका डिज़ाइन बहुत ही प्रोफेशनल लुक का है, मैं बता रहा हूँ आपको, यकीन मानिए। अब भी सामने से इसको देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लुक लगेगा, और जब आप इसको क्रूज बाइक या किसी भी स्पोर्टी बाइक के साथ इसको यूज़ करेंगे ना, तो दूर से दिख जाएगा आपको, मतलब लगेगा कि कुछ चीज़ जा रहा है। तो ये देखिए इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही कमाल का है। आप देखिए यहाँ पे ब्लू, ऑरेंज, वाइट, येलो, ये चार कलर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए इसका साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये है इसका टॉप व्यू, और ये है इसका बैक साइड व्यू। तो व्यू तो आपको दिख गया, अभी मैं दिखाता हूँ इन डेप्थ रिव्यू इसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए ये है इसका वाइजर ग्लास जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो ये जो ग्लास है वो पिन लॉक कंपनी का आता है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, ये एंटी फॉग भी है और एंटी स्क्रैच भी है। तो आप इसको विंटर के सीज़न में फॉगी वेदर में इसको चलाएंगे ना बाइक को इसको पहन के, तो कोई फॉग इसमें नहीं अटकेगा, ये निकल के बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा इसका वाइजर ग्लास। अभी चलते इसका जो ब्रेथिंग मैकेनिज्म है इसमें देखते हैं। तो ये देखिए ये रहा इसका ब्रेथिंग मैकेनिज्म, इसको आप ऑन ऑफ ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये है इसका इनलेट और ये है इसका आउटलेट। तो आपको जब सफोकेशन टाइप का होगा तब आप इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे करके। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से जो एयर है इसके अंदर जाएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से, ये जो देख रहे हैं यहाँ से बाहर निकलेगा। और इसका जो कार्विंग टाइप का जो एक लगा है यहाँ पे प्लास्टिक, ये बहुत ही यूज़फुल है। ये एक्चुअली इसलिए लगाया गया है, कभी कभी ये होता है ना, हम जब एक्सहेल करते हैं और स्पेक्टेकल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये जो जो पेपर है ना, वो ग्लास के अंदर आ जाता है,
वो आपको पता होगा, आप भी स्पेक्टेकल्स यूज़ करते होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि मैं भी स्पेक्टेकल्स यूज़ करता हूँ। तो इसका जो डिज़ाइन है ना, इसके वजह से क्या होगा, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस आपके स्पेस की तरफ नहीं आएगा, ये सीधा ऐसे होके इसके अंदर से जाके यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में। तो ये देखिए, ये रहा इसका वेंटिलेशन सिस्टम। ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे दो ये लगाया हुआ है, इसको आप ऐसे ओपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्लोज पोजीशन, ये करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो इसके अंदर से हेलमेट के अंदर एयर जाएगा। ठीक है, और जो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका आउटलेट मिल जाएगा, मतलब जो एयर यहाँ से इसके अंदर जाएगा, हेलमेट के अंदर की तरफ जाएगा, वो आपके सर में होके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो आप ज़्यादा देर के लिए बाइकिंग करेंगे तो अंदर में जो मतलब गर्मी टाइप में महसूस होता है ये सब महसूस नहीं होगा, आराम से मतलब जो एयर होता है ना वो सर की तरफ आता जाता रहेगा, तो आपको ज़्यादा टायर्डनेस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ बंद और देखता हूँ इसको पहन के कैसा दिखता है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कैसा दिखता है। तो चलिए मैं इसको पहनता हूँ। और हाँ, आप स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं तो जब भी इसको पहनेंगे ना स्पेक्टिकल्स को खोल के इसको पहनेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। ठीक है, तो हो गया ये फिटिंग। तो देखिए, मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, आई होप अच्छा दिखेगा। और इसका जो ये है ना, मतलब क्या बताओ, ये दिखने में बड़ा लगता है लेकिन जब इसको आप पहनेंगे ना तो एकदम लाइट लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कुछ बहुत भारी चीज़ आपके सर में आ गया, ऐसा कुछ फीलिंग्स आपको नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही हल्का टाइप का है। ठीक है, और इसका जो ये जो कटिंग पोर्शन है ना, यह से आपका जो सामने का जो व्यू है वो साफ दिखता है, ऐसा नहीं है कि ये वाला पोर्शन आपका बैरियर बन के सामने आ रहा है या ये वाला पोर्शन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छे तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, एकदम सामने का जो रास्ता है ना आपको एकदम साफ तरीके से यह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको पहन के मैं मेरा जो स्पेक्टिकल से वापस मैं डाल रहा हूँ मेरे आँख में देखने के लिए इसके साथ भी ये कम्फर्टेबल है या नहीं। और ये हो गया फिटिंग, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिटिंग हो गया है, मतलब इसको लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको हेलमेट को थोड़ा ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, जैसा आपके सर में है वैसे ही रहेगा, आप अपना स्पेक्टिकल्स को आराम से बाहर निकल सकते हैं या फिर अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, इसके अंदर जो फोम जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना वो बहुत ही मतलब क्या बताओ अच्छी क्वालिटी का है, मतलब आपको एकदम सफोकेशन टाइप का महसूस कभी नहीं होगा, एकदम ही मतलब कम्फर्टेबल है। और ये एंटी एलर्जिक भी है, आप इसको मतलब ज़्यादा देर तक पहन के रखेंगे इसके लिए आपके बाल में या आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो लॉन्ग ड्राइव के लिए ये बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी का है। तो देखिए कैसा है इसका क्वालिटी, मैंने तो एक ओवरव्यू दे दिया, तो अब भी देखिए कमेंट कीजिए, और अच्छी लगी तो इसको खरीदिए, खरीद के देखिए, और आप भी ब्लॉगिंग के लिए निकलिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, और निकलने में बहुत ही आसानी है, आराम से निकल गया है, ज़्यादा ये नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।